नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, आज हम पंचांग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। अक्षय तृतीया उन विशेष मुहूर्तों में से एक है जिस समय कोई भी बड़ा काम या शुभ काम बिना किसी और चीज को देखे हुए किया जा सकता है। कहा जाता है वर्ष में विजयदशमी को भी या अक्षय तृतीया को पंचांग देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिन आप कोई भी जीवन का बड़ा लक्ष्य जिसको चाहते हैं वो युगों युगों तक याद किया जाए, जल्दी वह कार्य समाप्त न हो, जिसमें वृद्धि हो, विकास हो। लोग इस दिन अपने घर का भी निर्माण कर सकते हैं, नए व्यवसाय का प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन आप दान कर सकते हैं। इस दिन का किया हुआ दान जीवन भर आपके लिए फलदायी होता है। कहा जाता है कि अगर अक्षय तृतीया को आप दान करते हैं उसका प्रतिफल कई गुना आपको प्राप्त होता है। तो आज हम पंचांग लेकर बैठे हैं, आपको अभी पहले ही हम ये इस विशेष मुहूर्त के बारे में बता देना चाहते हैं, जिससे जो भी प्लानिंग आपको करनी हो, कुछ अगर थोड़ा पहले वो प्लानिंग हो रही हो तो उसको आगे बढ़ाकर आप इस अद्भुत बेला में ले जाए, जिससे आपका कार्य जल्दी से और अच्छे ढंग से पूरा हो। पंचांग बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया अर्थात तृतीया दिन शुक्रवार, अंग्रेजी डेट के अनुसार देखा जाए तो 14 मई सन 2021 को अक्षय तृतीया, जिसे परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु के एक अवतार परशुराम जी भी थे, जिनके जन्म के शुभ अवसर को ही अक्षय तृतीया के रूप में आदिकाल से सनातनी मनाते आ रहे हैं। इस दिन जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम प्रारंभ करते हैं उसके सफल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कहा जाता है कि कोई भी जातक अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो इस दिन वह अधिक से अधिक मंत्र का जाप करे तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। कोई ऐसा कार्य जिसको करने से पहले आपके मन में बड़ा भय है कि पता नहीं यह कार्य पूरा होगा कि नहीं होगा, तो आदमी इसी दिन अपने कार्य का प्रारंभ करे तो शास्त्र अनुसार, शास्त्र सम्मत इस कार्य के पूरे होने के बहुत ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। आज से नहीं, आदिकाल से सभी लोग अक्षय तृतीया के दिन दान करना, गंगा स्नान करना यह जरूर करते थे। इस दिन एक विशेष दान हम आपको बताते हैं जो आपके जीवन की बहुत सी समस्याओं को समाप्त कर सकता है। अब तो यह दान सुनने में कम आता है, पहले इस दान की बड़ी अधिकता है, जिसे तुला दान कहा जाता है। आपके घर में अगर जैसे कोई बालक है, कोई बहुत बार बार बीमार रहता है, कोई जवान या बुजुर्ग, कोई भी बीमार हो, परेशान हो या उसको मृत्यु का भय हो, कुंडली में मार्केश हो या कोई खराब दशा चल रही हो, इस दिन आप तुला दान करें। बस तुला दान में उन वस्तुओं को शामिल करें जो आपकी कुंडली के अनुसार दान देने पर ज्यादा लाभ हो। आप दान करिए, इस दान से आपके जीवन में सकारात्मकता अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। अक्षय तृतीया, फिर से मैं आपको पंचांग के माध्यम से बता देता हूं, 14 मई सन 2021 तृतीया तिथि रहेगी, शुक्रवार का दिन रहेगा, मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा, अच्छा नक्षत्र है, पूरे दिन रहेगा। और आप इस दिन कोई भी शुभ काम प्रारंभ करें, जैसे नया व्यवसाय प्रारंभ करना है, न्यू पूजन करना है, गृह प्रवेश करना है, कोई मांगलिक कार्य विवाह से संबंधित करना है,
कोई भी कार्य इस तरह का करना है, बच्चे का नामकरण संस्कार करना है, पहले दिन विद्यालय भेजना है, अन्नप्राशन करना है, कोई भी शुभ कार्य अगर आपके करने की इच्छा हो तो आप इस तिथि पर कर सकते हैं। यह तिथि हर स्थिति में आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपके मन में किसी कार्य को करने का भय है कि नहीं पूरा होगा, आप जरूर इस तिथि पर ट्राई करिए। अक्षय तृतीया से संबंधित और भी वीडियो हम आपके सामने ले आएंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं हमारे वीडियो को। ज्योतिष पंचांग धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, आप लोगों की कृपा है, हृदय से हम आपको धन्यवाद करते हैं। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।